अस्सलाम वालेकुम। तुस वेखदे हो अपना चैनल ब्यूटीफुल विलाग। तो मेरी तरफों तुसां सारिआं नूं वीवर्स नूं बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक होवे। तो अज जिन्हां जानवरां की कुरबानी मैं करना चाहना वो मैं तुहानूं विखाना और फिर जिहड़ा कसाई आएगा फिर उस तों बाद किस तरह गोश्त करदे ने कि प्रोसैस है सारा तुसां इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वेखोगे। तो वीडियो जो अगे बढ़ने तो पहले इत्थों तक गुजारिश है कि अगर तुसां मेरे इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इस सबसक्राइब करो ताकि नोटिफिकेशन थोड़े तक पहुँच दे रहा। ये वेखते पे हो व्यूअर्स के ये बकरी है जिसकी कुरबानी करनी होनी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। तो ये है कि फिर पानी इधर रखे चारा पे है जी और दूसरे नंबर पे बकरा है जी। और फिर अगर हूँ कसाई आएगा इंशाल्लाह वो फिर किस तरीके नाल अपना प्रोसैस करी वो भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर तुम्हें दिखा सा। तो व्यूअर तुम वेखते पे हो इस ब्यूटीफुल चैनल विलाग के कि हूँ कसाई जड़े ने आ गए हैं तो बकरा जड़ा है उसनों फिर ज़िबा कर सन फिर दूसरी जी बकरी उसनों भी ज़िबा करे सन। तो ये तुम वेखते पे हो मैं तुम दिखाना सारा सूरत हाल ये बकरा जड़ा है जी ये हूँ कुरबानी वास्ते तैयार है। और ये जनाब हकनवाज साहब की हाल है ना ठीक हो हाँ जी। तो अज तो फिर थोड़ा दिन बड़ा मसरूफ हो सी हाँ जी बिल्कुल जी कुर्बानी दे दिन तो मेरे ख्याल बड़े ज्यादा लोग हैं जी हाँ जी रश रश होता है हर बंदा मसरूफ थोड़े नाल छोटा हाँ जी। अच्छा ये थोड़ा माशाल्लाह काम का तजुर्बा ही बड़ा है हाँ जी। कितनी देर कर गंदे हो तकरीबन एक घंटे लग सी ज्यादा से ज्यादा घंटा जी। हाँ फिर दूसरा भी है हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये फिर ठीक है देखो ना जी छुरियां पानी लोटा ये सारी चीज़ा जी। अच्छा हूँ फिर ये अगर दरख्त नज़र आ रहे ये जनाब ज़िबा करके टंगी सी बकरा जी ना समय से पे भाई कसाई जड़ा ना शुरू है कुरबानी गोश्त ब्राह्मण में हाँ जी। ये जरा ईद दिन होते हैं वैसे भी कसाइयों के छुरियां टोके बड़े तेज हो जाते ना है हूँ तो मतलब ये टक जनाब शुरू थी है जी हाँ जी। ये कितना अरसा हो गया जी हाँ जी कितना अरसा हो गया जी जी हाँ काफी अरसा हो गया उस्ताद जी हाँ जी दस बारह साल हो गए काम करी में अकेले में। अच्छा जी समझ आती भाई ठीक है दस बारह साल आज बाद कितनी बुकिंग हुई हुई है बुकिंग काफी घर दी है उस्ताद जी का चार घर दी नहीं बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी चार घर दी जी सही है समझ आ गई ठीक है। ये कितने साल तू कर रहा काम दस बारह साल जी दस बारह साल जी। अच्छा ये जानवर बड़े भी करते हो जी वधे जानवर गां मज हर चीज हर चीज। अच्छा सही मज जी सही ये तुम वेखते पे हो कि जिहड़ा पहला बकरा ज़िबा होया है कसाब बैठे ने तो ये तीन हिस्से हो चुके हैं ये तीन हिस्से तो नज़र आ रहे हैं ये गोश्त के तीन हिस्से जी। और फिर इंशाल्लाह इस तो बाद अगला मरला शुरू होगी दूसरी जी बकरी ज़िबा करनी है उसका। हाँ तो नाज़रीन ये वेखते पे हो कि हुण दूसरी बकरी जी है ना ये कसाई दे हत्थे आ गई है कुरबानी वाली तो हूँ मेरा ख्याल है फिर पता नहीं ये हूँ के हिसाब करी दे हाला जी ये थोड़ी देर तक तुम वेख सको जी के राह देने जी हूँ ज़िबा तो सिर्फ करन तो तुसी रावा तो फिर मतलब तो कोई नहीं तुसी अगे जो टुर पाते हो ना फिर अगे हो जी हाँ जी कुरबानी दी दूसरी बकरी और ये फिर ज़िबा करन तक रावा ना तो फिर तो मसला कोई नहीं है कितनी कि मतलब ये देर ला सो तकरीबन घंटे एक लगना। अच्छा यानी स्पीड स्पीड है जी स्पीड स्पीड ठीक है जी हूँ वेख्या है जी अगे फिर ये किस तरह गोश्त तैयार कर देना मैं तुम वेख्या सा लो जी देखो कसाई शुरू है जी ज़िबा करने तो बाद चमड़े ने लगो है जी चमड़ा लहे सी हाँ जी। तो वैसे तकरीबन हर हवाले नाल चमड़ा लै रहा आवाम जी महंगाई है ये तो सिर्फ हम कुरबानी तो बकरी का चमड़ा लाता पे ना वैसे तकरीबन आवाम बेचारी का जी महंगाई चमड़ा ला रही है जी
ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਰੀਆਂ ਟੋਕੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਛੁਰੀਆਂ ਟੋਕੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਛੁਰੀਆਂ ਟੋਕੇ ਸਾਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਰ ਵੀ ਬਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਦੇ ਪਲਵਾਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਿਆ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਕਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਜੀ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਵਜ਼ਨ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਉਸਤਾ ਜੀ 35 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਉਹ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋ ਘਾਟਾ 12-13 ਕਿਲੋ ਸਹੀ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪ ਟੁੱਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਸ਼ਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼